मुरादाबाद थाना गलशहीद क्षेत्र स्थित असालतपुरा में एक धार्मिक स्थल परिसर से आज सुबह नगर संत बाबा रामदास की संदिग्ध हालत में मिली बॉडी ने जिला प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी। सूचना मिलने पर थाना पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। नगर संत की मौत की खबर शहर में फैलते ही हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं का पोस्टमार्टम पर पहुंचना शुरू हो गया। वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर हत्या बताया, क्योंकि बाबा रामदास गंगा प्रदूषण मुक्ति मोर्चा के संरक्षण थे और राम गंगा में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन का विरोध कर रहे थे। विगत 2-3 साल पूर्व नगर संत ने एक निगम पार्षद के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा भी दर्ज कराया था और जून 2020 में ही इनके द्वारा खनन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी गई थी, जिसके बाद से नगर संत कुछ लोगों के निशाने पर आ गए थे। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों के अनुसार नगर संत के 3 मोबाइल भी गायब है, जिसे लेकर संगठनों में गुस्सा भरा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद नगर संत बाबा रामदास की बॉडी मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे पर लाकर रख दी गई और कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। आधे घंटे तक इसी तरह हंगामा चलता रहा, जिसकी सूचना मिलने पर एसपी सिटी अमित आनंद फोर्स के साथ पीलीकोटी चौराहे पर पहुंचे और जाम लगाकर बैठे कार्यकर्ताओं से वार्ता कर बड़ी मुश्किल से जाम खुलवाया। इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि उनकी बॉडी पर किसी तरह से चोट के निशान नहीं है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ ठीक से कहा जा सकता है। ये आप 100% सही मानिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भगवाधारी, क्योंकि जितनी भी हत्याएं इन दिनों हो रही हैं, ये केवल योगी जी को बदनाम करने के लिए हो रही हुई है। ये भी एक साजिश के तहत हुई है। इसमें प्रशासन जो इसमें सहयोग नहीं कर रहा, क्योंकि उनके पास 3 मोबाइल थे, 3 मोबाइलों में एक भी मोबाइल हाथ में नहीं है और कोई भी आदमी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और डीपी भी गायब है। जबकि प्रशासन को चाहिए कि नगर संत हैं, नगर संत के लिए जो वो यहाँ सुबह 10 बजे आ गए हैं, उसके बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसको के लिए नगर संत के लिए भी इतनी देर कर दी इन्होंने, ये तो अमान्य बात है। इस तरीके से हिंदू समाज के लिए, वो भी नगर संत के लिए, वो भी भगवाधारी के लिए इस तरीके से काम करे जाएंगे तो कैसे हाल होगा? ये हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि जब तक नगर संत के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम इनकी जब तक संस्कार नहीं करेंगे और पीली कोठी के चौराहे पर इनके शव को ऐसे का ऐसा रखा जाएगा जब तक कि इनके हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे। क्षेत्र में एक बाबा संत रामदास का बॉडी मिला था, जिसकी सूचना वहाँ के जो मंदिर के नियुक्त कर्मचारी उनके द्वारा दी गई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि ये बाबा जी शाम को आए थे मोटरसाइकिल से। वहाँ उन्होंने कहा था कि वो 9 दिन का व्रत रहेंगे और वहीं मंदिर करेंगे। सुबह जब वहाँ के लोग देखे तो वो मृत अवस्था में वहाँ पे मिले हुए थे और इसमें तत्काल पुलिस ने मौके पर जा करके छानबीन करी। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है और कोई भी उनके शरीर पर जाहिर चोट के निशान नहीं है। इस अवस्था में बेटे को किसी अवस्था में उनकी बॉडी मिली और इसका मृत्यु का जो वास्तविक कारण है, असली कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके अंदर ये पता चल पाएगा कि